बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये समर 2007 के पेपर वन का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये कह रहा है द सेकंड टर्म ऑफ जामेटिक प्रोग्रेशन इज 3 एंड द सम टू इन्फिनिटी इज 12। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म मालूम करना है, लेकिन आगे चल के हमें आर भी इस्तेमाल करना होगा, तो आर भी मालूम करेंगे, दोनों में चीज़ें मालूम करेंगे। द सेकंड टर्म ऑफ जामेटिक प्रोग्रेशन है ए टू थ्री है। ए टू का मकसद होता है ए आर थ्री, और एस इन्फिनिटी जो है वो 12 है। तो ये एस इन्फिनिटी होता है ए अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 12 के। तो इसमें अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए इज इक्वल आता है 12 माइनस 12 आर के। अब इसमें आर की वैल्यू या ए की वैल्यू किसी भी एक की सब्स्टिट्यूट करेंगे। मिसाल के तौर तो मैं पहले ए की निकालना चाह रहा हूँ, तो आर इज इक्वल हो जाएगा 3 अपॉन ए। इसमें आर इज इक्वल 3 अपॉन ए पुट कर दें तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 12 माइनस 12 आर की जगह आ जाएगा 3 अपॉन ए। ए सबको मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12 ए माइनस 36। ये इधर लेके जाए ए स्क्वायर माइनस 12 ए प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ए माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू आई है ए इज इक्वल टू 6 आया। हम कन्फर्म करेंगे कि आर वाक्य जो है यानी माइनस 1 और 1 के दरमियान में है, या उसकी वैल्यू लेस देन 1 है मैग्नीट्यूड में। तो आर इज इक्वल टू होता है 3 अपॉन ए। तो हमारा आर जो आ जाएगा 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2। अब चाहते तो इधर पहले ए को ए करते कि ए इज इक्वल 3 अपॉन आर, आर के टर्म में वैल्यू आती 1 अपॉन 2 आती, और फिर आप इस तरीके से कर सकते थे। तो ए 6 आ गया और आर 1 अपॉन 2 आ गया हमें, तो ए आंसर था, ये चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है? नेक्स्ट पार्ट इसका ये कहता है एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द सेम फर्स्ट एंड सेकंड टर्म एज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट और सेकंड टर्म ए पी है उसके ये सेम है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सम वैल्यू करना है 20 टर्म्स का। दोनों टर्म पहले वाले सेम है, यानी पहला सेकंड पार्ट है, फर्स्ट इसका टर्म है 6 और दूसरा टर्म है 3, और ये अप टू 20 टर्म्स हैं। ये एपी है, एपी के लिए यानी 6 प्लस 3 और प्लस ये 20 टर्म्स। तो इसमें ए तो 6 है और डी हमारा आ जाएगा 3 माइनस 6। हमेशा इसमें से ये माइनस करते हैं, ये जाएगा -3, और हमारा एन जो है वो 20 है, और एस एन चाहिए हमें। देखें एस एन बराबर होगा हमेशा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन ये हो जाएगा एस 20, n अपॉन 2 हो जाएगा 20 अपॉन 2, 2a ये हो जाएगा 12 प्लस n-1 डी यानी 20-1 इंटू डी की ये 6। तो ये आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 12 और प्लस 19 इंटू 6 करेंगे तो 19 6 जो आता है 19 इंटू 6, इसमें करके देखेंगे हम तो ये आएगा 154। तो 19 इंटू 6 154, सॉरी ये 6 क्यों मैंने लिया है, आई एम सो सॉरी, ये 6 डी नहीं है, डी तो हमारा, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक प्लीज। ये 10/2 जो है ये आ जाएगा 10 के, और ये 12 प्लस ये डी की वैल्यू है -3, सारी मुझे इस पे नज़र पड़ गई, तो डी इस पे 6 ले लिया, तो ये आ जाएगा 19 इंटू -3, तो ये आ जाएगा 10 12 -57। 12 -57 बनेगा 10 इंटू ये आएगा -45, तो ये आ जाएगा -450 के आंसर।